क्योंकि जो जागना चाहेगा वही जाग सकेगा। जैसे कभी आप किसी को हिला के भी जगा दो, पर अगला उठना चाहेगा तभी तो उठेगा, वरना तो पड़ा रहेगा वो। ऐसे ही मन की हालत है, अगर ये जागना चाहेगा तभी जागेगा। कितने लोग तो कॉन्शियस ही नहीं रहते हैं कि हम यहाँ पर जागने के लिए आए हैं, उसी तरह से ही चलते हैं जैसे संसार में चलते थे। जागना नहीं हो पाएगा। जिसको जागने की चाहत है उसको गुरु का एक इशारा भी बहुत है जागने के लिए, पर जब चाहत ही नहीं है जागने की तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ भी जब सत्संग चलता है कोई स्पून फीडिंग नहीं कर सकता किसी को, लेकिन हर एक को गुरु का इशारा समझ के अपने आप को जांचना भी है और बनाना भी है। काम ही यही है। आए गुरु के पास तो ये नहीं गुरु पकड़ पकड़ के बताएगा, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु सिर्फ सच खोल के रख देता है। अब उठाना हमको होता है, हमारे योग्य बात कौन सी है। गुरु सिर्फ रख देगा आगे कि सच ये है। अब जांच हम अपने को सकते हैं, हम झूठ पे खड़े हैं सच पे खड़े हैं, हम सही चल रहे हैं हम गलत चल रहे हैं, ये भी हर एक को अपनी चेकिंग खुद करनी है। कई बार मन सोचता है अच्छा हम गुरु को कह देते हैं, अगर आपको हमारी गलती समझ आए आप हमें बता देना। गुरु क्यों बताएगा? तुम्हें सत्संग सुनने के बाद इतनी अलर्टनेस आ जानी चाहिए कि कर्म होने से पहले ही होश आ जाए कि ये कर्म अज्ञान का है। मान लो फिर भी मन के वश कर गए तो कर्म होते होते ही होश आ जाना चाहिए और पलटा आ जाना चाहिए, और भी आगे बढ़ गए हो गया तो भी वहीं का वहीं जागरूक हो जाना चाहिए कि ये कर्म गलत हुआ मेरे से। कभी कभी हम लोग ठहर के बैठ जाते हैं, पूछेंगे हमसे कर्म कुछ गलत हुआ क्या, हमसे कोई भूल हुई क्या, कोई बता भी देगा तो फायदा नहीं, क्योंकि जिसका अंदर वाला चेताई नहीं रहा उसको बाहर से कोई बता देगा क्या वो स्वीकार कर लेगा? और अंदर वाला क्यों नहीं चेता रहा, इसका मेन कारण है अहंकार। अंदर वाला चेतावनी क्यों नहीं दे रहा, जागृति क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि एक अहंकार रहता है, आई एम राइट, आई नो। ये बहुत बड़ी बीमारी है, और यही अहंकार फिर किसी के बताने पर भी कबूल थोड़ी करने देगा कि मैं गलत हूँ। फिर बल्कि मन चार बातें बनाएगा, झूठ सच करेगा, नहीं बात ऐसे नहीं है, नहीं बात वैसे नहीं है। पर सच तो ये है, अपना विवेक चाहिए होता है अपनी जागृति के लिए। गुरु की तरफ से मात्र इशारा मिलेगा, समझना हमको होगा कि हम कहाँ पर सही हैं कहाँ पर गलत हैं। गुरु का काम इतना ही है कि वो सच खोल के तुम्हारे आगे ऐसे रख देगा। जैसे दुकान में हम जाते हैं, दुकानदार हमारे आगे चीज़ खोल के रख देता है, साड़ी लेने जाते हो साड़ी खोल के रख देता है। आजकल तो पैकिंग में आती हैं बेडशीट्स, पहले जाते थे ना चादर भी खोल खोल के देखते थे, पूरी चादर खोल देता था दुकानदार, पर हम पसंद करते थे हमको कौन सी चाहिए। गुरु का काम है सच का खुलासा करना। कैच उसको हम करेंगे,
विचार उसका हम करेंगे, बात को समझने की कोशिश हम करेंगे। हम कई बार इग्नोर मार देते हैं, कई बार बड़े भोले बन के हम गुरु से पूछना चाहते हैं, क्या मेरी कोई मिस्टेक, क्या मैंने कुछ गड़बड़ की, तो इतने तो अनजान तुम हो भी नहीं। जब तुम्हें दूसरों की गलतियां इतनी ज़्यादा पता चलती हैं तो ये बुद्धि फिर अपने भी काम आ सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, हम जांचना चाहते ही नहीं हैं। अपनी गलती को पकड़ने के लिए भी बड़ी निरअहंकारिता चाहिए होती है। जहाँ निराभिमानिता नहीं होगी वहाँ अपनी भूल भी पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। जितना ये आवरण होगा मैं जानता हूँ या एक लापरवाही, तो ऐसे में आप अपने वैराग्य की रक्षा भी नहीं कर सकते हो, और ऐसे में कभी आपके जीवन में वो निश्चिंतता वाला समय गुरु भी नहीं दे सकता। जैसे आनंद को ही बोल दिया भगवान बुद्ध ने, जब वो पूछ रहा था, आपने कहा स्त्री से नहीं बैठना, फिर स्पर्श नहीं करना, फिर एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, बातें कर रहा था। लास्ट में भगवान बुद्ध ने उसको बोला, फिर तेरा विवेक तुझे चलाएगा। मतलब तुम्हारे जीवन में एक समय ये वाला भी आना चाहिए जहाँ पर गुरु तुम्हें फ्री छोड़ सके कि तेरा विवेक तुझे चलाएगा। तो गुरु को एतबार हो भाई तुम विवेक पूर्ण हो, विवेक से जीते हो, तुम्हें कर्म तो छोड़ो एक संकल्प का भी पता चलता है। पर जिसके जीवन में विवेक का आदर नहीं है उसके जीवन में ये समय कभी आ ही नहीं सकता है कि उसको छोड़ा जा सके, तुझे तेरा विवेक चलाएगा। कि पहले अगले को विवेक से चलने की आदत तो हो, विवेक का आदर तो करता हो, विवेक का इस्तेमाल तो करता हो, उसका विवेक उसको कचौटता तो हो किसी सही और गलत के लिए, वरना वो समय आना बड़ा मुश्किल है। नहीं छोड़ सकता ना गुरु भी ये कह के कि अच्छा तेरा विवेक तुझे चलाएगा। एक समय गुरु अपने बंधन में रखता है, हमें हमारी गलतियां भी बताता है, पकड़ता भी है, एक एक क्षण का हिसाब भी लेता है। एक वक्त ऐसा भी होता है, एक वक्त पे आके गुरु हमको थोड़ी सी रिहाई भी देता है। जब वो देखता है इसका विवेक जागृत है, जब वो देखता है ये मुझे अच्छी तरह समझ गया, जब वो जांच लेता है कि हमारे संग रहते हुए अब ये भूले नहीं कर रहा, अब ये सही चलता है, तो गुरु थोड़ा सा हमको फ्री करता है कि अब तुम अपने विवेक से भी चलो। कभी निर्णय दिए होंगे, कभी निर्णय गुरु ने पूछा हमसे, तुम बताओ तुम क्या कहते हो, और एक समय बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे देख लो। तो मालूम पड़ा जब तक विवेक से अंधे थे गुरु ने हर फैसला दिया, जब गुरु को थोड़ा एतबार जागा तो पूछते थे तुम्हारा विवेक क्या कहता है, तुम्हारा अंदर वाला क्या कह रहा है। और एक वक्त पे आके पूछते भी नहीं थे कुछ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम देख लो। इवन निष्काम में भी शुरू में हर चीज का फैसला देते थे। हम बोलते थे हमें आपके पास आना है, अच्छा फलाने को कहो सत्संग देख ले, फलाने को कहो ऐसा कर ले, दूसरे शहर जाने, हर फैसला देते थे। फिर जब और बात आगे बढ़ने लगी, अच्छा क्या सेटिंग करके आ रहे हो, कैसे करके आ रहे हो, तुम जा रहे हो कल फलाने शहर, पीछे कौन देखेगा, अच्छा संडे पड़ेगा मेन सत्संग कौन देखेगा,
सिखाया वो भी सिखाया। कभी कोई मेन सत्संग होता था, कौन होल्ड करेगा? देखो जिसके अंदर ये बातें हों उसको बिठा के आना, जो गुरु के करीब हो उसको बिठाना, जो हमारे पास आता जाता हो उसको बात कराओ। अच्छा फलाना रहा बीच में आके, मेरे को सही लगा वो, फैसला भी दिया। और एक वक्त ऐसा आया जब बोलते थे देख लो जैसे ठीक लगे तुम अपना सेट कर दो, तो एक बात समझ में आती है ना कि हम जब गुरु के संग चलते हुए विवेकपूर्ण चलते हैं तो फिर गुरु हमें सही राय भी देता है और हमारी राय पर भी एतबार करता है, दोनों बातें होती हैं। पर जब हमारा विवेक इतना सोया हुआ है, ना हम गुरु को समझ पा रहे हैं, ना हम गुरु की बात समझ पा रहे हैं, ना इशारा समझ पा रहे हैं, और अपनी गलती तो कभी पल्ले पड़ती नहीं है, कोई बता दे तो अलग बात है, लेकिन अपनी जड़ता ऐसी है कि हम अपने को जांचने पर रखने को तैयार ही नहीं है, हो गया कर्म पता ही नहीं चलता। हालांकि किसी कोने में अंदर वाले को पता चलता है, कैसे पता चलता है? कॉन्शियस बाइट तो करता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब इतना ही बोला भाई जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा, फटाफट जो चोर था उसने हाथ मारना शुरू कर दिया, तिनका लगा तो नहीं है, समझ में आ गया। अगर हमारा मन कंफ्यूजन में भी आए ना कभी, मेरे से मेरी बात तो नहीं होगी, मेरी गलती तो नहीं होगी, एक मिनट के लिए मान लो तुम्हारी गलती गुरु को पता ही नहीं है, मान लिया एक मिनट के लिए, तो भी तुम्हें अगर किसी की बात से भी अपनी बात लग रही है तो भी स्वीकार करना आना चाहिए, जाके एकदम बोलें कि आपने तो पता नहीं किसके लिए कहा, लेकिन मेरी सच्चाई ये वाली है, मेरे से हुई है ये गलती, मेरे से हुआ है ये दोष। इनोसेंसी दिखानी नहीं होती, इनोसेंट होना होता है। हम क्या करते हैं? इनोसेंसी दिखाना चाहते हैं। मैं दिखाता हूँ इनोसेंट बन के, मैं ना दिखाता हूँ कि मैं तो बिल्कुल ऐसा मासूम सा हूँ। मासूम हो जाओ ज़्यादा अच्छा है, मासूमियत का दिखावा ये ज़्यादा काम खराब करता है, मासूमियत का दिखावा नहीं चाहिए। बड़े भोले मत बनो, हाँ हमसे कुछ हुआ क्या, नाटक मत करो। तुम्हारा अंदर वाला जब कह रहा है कि तेरी गलती है, सीधा सीधा अपनी गलती को स्वीकार करना है, ये नहीं कि है क्या मेरी गलती, हुई क्या मेरे से कोई बात, तुम्हें नहीं पता क्या? अंदर वाले को सब पता है। जब सत्संग भी चल रहा होता है, राइट रॉन्ग तो आपके अंदर वाला ही लगाता जाता है, ये तूने सही किया, ये तूने गलत किया, ये तूने अच्छा किया, ये तूने बुरा किया, किसके अंदर वाला नहीं बताता, सब पता है तुम्हें, हर बात के साक्षी हो तुम, हर बात को जानते हो। अपने अंदर विचार करके देखो, आप कभी कभी पर्दे डालते हो, इसको ऑफ करो, पर्दे डालते हो, आप सोचते हो पर्दे डालने से काम बन जाएगा, आज तो पर्दे डल जाएंगे लेकिन जीवन से विकार तो नष्ट नहीं होने वाला। जो मेन बात है, आज दिखावा हो जाएगा, कल क्या होगा, सोचने वाली बात है। आज कोई भी चीज खराब हो गई, मान लो दीमक ही लग गई किसी जगह, आज तो हमने उसके आगे अच्छा लकड़ी का वो लगवा दिया, कुछ कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन कल तो वो उस लकड़ी को भी खा जाएगी दीमक कि नहीं खाएगी।
अगर आज आप अपने ऊपर पर्दे डाल लोगे, कल ये विकार हालत क्या करेगा? कल ये विकार आपको कौन से रसाताल में पहुंचाएगा? और बड़ी बात तो ये है, अपने स्वभाव पर एतबार भी तो नहीं है अभी, तुम्हें कर सकते हो एतबार? जब तक ज्ञान का स्वभाव ना बन जाए, कोई अपने स्वभाव पर भी एतबार नहीं कर सकता। जीव भाव में तो दोष कहीं भी कैसा भी आ सकता। कैसे टू श्योर हो सकते हैं? क्या मेरे अंदर तो कोई भूल होगी ही नहीं, मैं तो गलत होऊंगा ही नहीं? जबकि तुम जानते हो तुम्हारे मन में राग द्वेष का कितना बड़ा संसार है। हर एक को पता है अपने अंदर कि मेरे हृदय में केवल प्रेम है। प्रेम की पहली पहचान प्रेम सर्व के लिए, और राग द्वेष की पहचान किसी के लिए प्यार होगा, किसी के लिए धिक्कार होगा। अपना मन पहचानना भी बहुत आसान है। जिस दिन आपके अंदर निष्काम प्रेम की भावना आ जाएगी, तो प्रेम आपका सर्व के लिए हो जाएगा। और सबके लिए जब प्यार आ जाता है, तो आप केवल अपना नहीं, सबका प्यार सबका भाव समझने लगते हो। तभी तो सबको स्पेस दे पाते हो। आज अगर किसी का प्यार समझ ना आए, आप स्पेस कैसे दोगे? प्यार ही तो समझ आता है कि जैसे मेरा भाव है अगले का भी भाव है, तो सबको स्पेस दे के चलना आ जाता है। लेकिन जब मन में प्यार की जगह राग द्वेष होता है, किसी के लिए अच्छा भाव है किसी के लिए बुरा भाव है, तो आप अपने मन पर एतबार कैसे कर सकते हो? आपको हर जगह जांचना पड़ेगा अपने को कि मेरा मन जहां प्यार दिखा रहा है, ऐसा तो नहीं मेरा स्वार्थ, मेरी सुख बुद्धि इसकी वजह से मुझे फील हो रहा हो कि मेरा प्यार है, असल में मेरी स्वार्थ बुद्धि है? जांचना पड़ेगा। जहां आपका मन धिक्कार दे रहा हो, द्वेष कर रहा हो, वहां भी परखना पड़ेगा, क्योंकि मन का कोई हिसाब किताब है नहीं। देखो, कभी कभी किसी के लिए कुछ होता नहीं है, हमने बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज को। अब भगवान ही प्यार करते थे, अब किसी से हमारी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने कभी सत्संग में तारीफ कर दी, कभी सत्संग के लिए बोल दिया ये बहुत अच्छा बात करता है, शाम को ये बात करेगा, कभी किसी ने प्रश्न किया, भगवान ने माइक पकड़ा दिया, ये आंसर देगा, बहुत अच्छा आंसर देगा। तो कुछ लोगों के मुंह अपने आप ही टेढ़े हो जाते थे, बात करो तो यूं, अरे मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई अगले की, हुआ क्या इसको? हम भगवान को पूछते थे, आप पूछिए अगले से क्या हुआ, बोला मैं बताती हूँ क्या हुआ। क्या हुआ? बोला वो जेलेसी जो है वो द्वेष का रूप ले रही है। तब समझ में आया ये भी एक रूप है मन का। जरूरी नहीं सामने वाले ने हमारा कुछ बिगाड़ा हो। कभी कभी हम उम्मीद रखते हैं गुरु हमारी तारीफ करे, हमें अच्छा बोले, हमारे लिए ऐसा विश्वास रखे, और गुरु दूसरे को करता है, मन उतने में द्वेष पाल लेता है, ये मेरा दुश्मन है, काय का दुश्मन है। उल्टा किसी के गुण से सीख जाओ, समझ जाओ, एक काम तुम कर रहे थे, तुमने हजार गलतियां कर डाली, दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारा बिगड़ा काम भी संभाला, उस काम को और अच्छे से भी किया, अब मन उसके लिए द्वेष रखेगा, प्यार नहीं है मेरा उसके लिए, क्योंकि अपनी गलती का एहसास ही नहीं, प्यार कहां से आएगा? बुद्धि की जड़ता तो वहीं की वहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि जब मुझे समझ आ जाए कि मेरा कोई दोष है, तो जिसने दोष संवारा मैं उससे भी सीखूंगा कि अगले व्यक्ति ने इस भूल को ठीक कैसे किया, उसकी क्या निष्कामता, क्या निरिच्छापना, क्या होगा उसके अंदर, ऐसा समझ में आएगा। हमारे दिल्ली में एक एरिया में बड़ी डिस्टरबेंस हो गई एक बार। डिस्टरबेंस भी क्या थी, वो
जो एक निष्काम मिल जाता है सबको, फालतू वाला काम एक सिर दर्द करने का अपने, वो तीन चार औरतों ने निष्काम शुरू कर दिया। एक तो ओरिजिनली वहाँ रहती थी, उसको गुरुजी ने कहा, एक किसी बड़े की सुनी हुई पहुँच गई, तो अगली कहे कि तू मेरा सत्संग कर वहाँ पे, तीसरी की और पहुँच गई, ऐसे करके तीन चार लोग हो गए। अब एक एक गली छोड़ के सत्संग हो रहा है, चलो करो अपना अपना करो, भगवान तब भी शांत रहे, लेकिन इतने में भी संतुष्टि नहीं होती, फिर एक दूसरे की चर्चा, ये करती है वो ये करती है वो ऐसे करती है, जो झूठ सच सब शुरू हो गए आपस में, सिर्फ दूसरे की इमेज, तू उससे सुनती है, अरे वो तो गुरुजी उसको पसंद नहीं करते, देख चिट्ठी गुरु की मेरे यहाँ ही आती है, गुरुजी कहाँ उसको पसंद करते, वो उसको बोले ले चिट्ठियाँ तो लिख के गुरुजी ऐसे उसको ना शांत किए रहते हैं, स्वभाव ही इतना गंदा है, मेरे लिए तो विश्वास है गुरुजी को, मेरे को तो उनके प्यार की बड़ी कदर है, यूं यूं करके बड़ा बुरा झमेला। अब भगवान का फोन आया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है, अब तो वो लोग सामने ही भिड़ने लगी हैं, तुम जाओ, मुझे काहे भेज रहे हैं आप, वहाँ से किसी लड़की को भेजिए, जाके 8-10 दिन रहे वहाँ पे, संभालेगी। भगवान बोले संभालने वाला तो केस नहीं है, झगड़ा हो जाएगा, तू जा, तेरे को सत्संग का आर्ट है, सत्संग में ही धुलाई करनी है सबकी, उन सबके मन साफ करने हैं। अच्छा गए, उनकी कृपा वाणी उनकी दी हुई होगी ज़रूर, जब कार्य उनको कराना है, बहुत अच्छा सब सेट हो गया, सत्संगी सेट हो गए, काम बढ़िया हो गया, सब सेट हो गया, लेकिन दो जने वो जो शिफ्ट हुए थे, दो जने वो जिनसे सुन के शिफ्ट हुए थे, उन चारों की खामखा दुश्मनी हो गई मेरे से, भाई हम क्या करें अब इसमें, हमें कहा जाता ना हम सेट करते, इनका मैंने तो कहा भी नहीं गुरुजी को मुझे सेट करने जाना है, मुझे बात भी नहीं पता थी, मुझे मालूम ही नहीं है वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, अब तो भगवान का मैसेज आया किधर को जाना है, तब हम क्या करें। तो ये बजाय सीखने के, फिर मेरी को एक बात आई अंदर, मैंने कहा तुम एक बात सुनो, चारों को बिठाया, एक बात समझो, अगर गुरु का एक बच्चा बाहर से आके तुम्हारा मसला सुलझा सकता है, तुम गुरु के उस बच्चे से गुरु की वो रमस सीख लो, तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स ही ना क्रिएट होंगे, फिर जाके उनकी खोपड़ी में बात बैठी, फिर तो खैर आज तक बहुत रिस्पेक्ट करते, लेकिन ये रॉन्ग एटीट्यूड्स आपके मन में द्वेष को जन्म दे देते हैं, नजरिया गलत, विचार गलत। पहले तो जब हम गए, पहले एक पूछती है दरवाजे पे, भगवान ने आपको कैसे भेज दिया इस बार, उनका मुझे तो नहीं पता, उनका फोन आया, मैंने तुम्हें फोन कर दिया कि हम कल आ रहे हैं, सबको बुला लो, बड़े एटीट्यूड से पूछा उसने, आंखें तरेर के जैसे, आपको गुरुजी ने कैसे भेज दिया, हम लोगों ने तो ऐसी बातें भी बड़ी सही हैं, जो बने बैठे होते हैं किसी का आना सहन नहीं होता, सत्संगियों को चाबी भर देते हैं, बोलना बोलना, एक बार तुम निरादर कर दोगे दोबारा कोई आएगा नहीं, हम कहेंगे नहीं आने को किसी को, बड़े झमेले देखे हैं ये गंदे वाले, लेकिन इस सब में अपनी बनावट बिल्कुल जीरो है, ना गुरु भक्ति बचती है ना निर्माणता बचती है, और जो सत्संगी भी लगता है ना आज बड़े हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, एक दिन यही जूते मारते हैं, ये भी पक्की बात है, यही दलदल में डुबकियां लगवाते हैं, क्या आवश्यकता, हम आए किसके लिए, अपने लिए, किसी से भी द्वेष पालने की बजाय इंसान ये सीखे अगले के कौन से गुण पर भगवान उससे राजी है। शुरू में भगवान ने बात समझाई थी, बोले कभी किसी को देखो ना गुरु उस पे राजी है रीझ रहा है, उस व्यक्ति से वो गुण लो जिस पे भगवान राजी हो रहा है, तो भगवान तेरे से भी राजी हो जाएगा, पर जब तुम वो ना सीखोगे तो फिर फंसोगे किसी ना किसी चक्कर में, यही तो गड़बड़ है सारी की सारी, मन अच्छा बुरा देखने लगता है, जबकि सीखना है समझना है,
अगला गुरु का प्यारा क्यों है, अगला गुरु का नजदीकी क्यों है, कैच तो वो चीज करनी है। हमारे पास भी गुरु के यहां से कोई आता था, हम सबको बोलते थे उनसे ये सीखना, वो वहां रहते हैं, उनसे सीखना, गुरु की बात सुनना, गुरु को समझना, पहले ही प्रिपेयर करते थे सबको। ये नहीं सिखाया कभी किसी को कि कोई गुरु के यहां से आए तुम रिस्पेक्ट ही मत करना, तुम यही बोल देना, हम तो यही संतुष्ट लगे पड़े हैं, कभी नहीं। बल्कि हम ही लोग सबको उकसाते थे सीखना, और जाते भी थे सब लोग तो वहां भी किसी ना किसी पुराने प्रेमी से बैठना, सीखना, समझना, तब तो सब गुरु के करीब आ पाए, वरना कैसे आ पाते। गुरु के करीब आए, गुरु से बात समझी, गुरु की दृष्टि मिली, क्योंकि अपने को जो आता है अगर वो पूरा होता तो हमें अंदर कमी ना खल रही होती। इसका मतलब पूरा नहीं है, हमारे जो स्वभाव और आदतें हैं अगर भगवान को वो रिझा पाते तो आज अपने अंदर असंतुष्टि महसूस ना हो रही होती। इसका मतलब अभी कुछ और सीखने समझने की जरूरत है, और वो कहाँ मिलेगा, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों से मिलती है। हमेशा याद रखना, हमने गुरुजी से एक बार पूछा आप माता का इतना रिगार्ड क्यों करते हैं, बोले पहली बात तो ये है, उन्होंने शुरू में हम लोगों को ज्ञान सुनाया, मेहनत की है, कानपुर से आते थे, पर सबसे बड़ी बात है वो गीता भगवान के अनन्य भक्त थे। हमको गीता भगवान की भक्ति मिलती है उनकी रिस्पेक्ट करके, उनका आदर करके, क्योंकि भगवान भक्ति नहीं दे सकता, भगवान के भक्त भक्ति देते हैं, भगवान के प्यारे भक्ति देते हैं। तब से हम लोग भी समझ गए इनके प्यारों का बहुत रिगार्ड करके चलेंगे तभी हम भक्ति ले पाएंगे। चरण धूल तेरे जन की ओमा, क्यों बोली गई ये बात, भगवान के जो भगत हैं उनके भी चरणों की धूल हो जाना, काम तो तब बनेगा। रम हमेशा अपनी बुद्धि को, अपनी अकल को, अपने ज्ञान को, क्योंकि कई बार ना जबान भी बहुत लंबी होती है, मन भी कई बार रिस्पेक्टफुल नहीं होता सबके प्रति, और ये मार्ग ऐसा है, ये सबसे पहले कहता है जबान की चुप्पी और दिल से हर एक के लिए आदर, तब हम कुछ सीख समझ सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल बात है। रटा रटाया ज्ञान नहीं चाहिए, लेक्चर पावर बहुतों को आ जाती है। एक ने बोला भगवान हमारा इतना तो अच्छा लेक्चर है, देखिए हमारे यहाँ रोज 100-200 लोग आ जाते हैं सुनने, वार त्योहार पे 300-400 भी हो जाते हैं। भगवान के तो फिर अंदाज निराले होते थे, बोले ले ओ, अभी एक भालू और बंदर वाले को बुला लो, डुगडुगी बजाए, 200 लोग तो वहां भी हो जाएंगे। तेरी डुगडुगी सुन के चार लोग आ गए तो इसका ये मतलब नहीं है तू ज्ञान में पक्का हो गया, गुरु भक्ति में माहिर हो गया, वो तेरा आचरण तो गुरु जांचेगा। दुनिया का क्या, डुगडुगी बजाओ इकट्ठे हो जाएंगे लोग, कुछ ना करो, तुम छत पे चढ़ जाओ, अभी एक कांच की बोतल फेंक दो ऊपर से नीचे, सबकी बालकनी से लोग बाहर आ जाएंगे, क्या हुआ है, लोगों को तो एक आवाज ही बहुत है इकट्ठा करने के लिए, उससे किसी की सिद्धि तो नहीं पता चलती ना। तुम्हारा मन भी सोचता है मुझे बहुत ज्ञान आता है, टोकना आता है, बोलना, असल में निष्काम में भी जो लोग ये गलतियां करते हैं ना, दूसरों को टोकना, बोलना, सारा समय दूसरों को ही बनाने की पड़े रहना, उनकी जबान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, फिर ना उनको गुरु की मर्यादा ना गुरु भाइयों की मर्यादा। जब किसी से ये मर्यादाएं टूटती दिखती हैं, समझ आ जाता है अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है जीवन में, सिर्फ थोथापन, ये मर्यादाएं टूटती तभी।
तुम किसी गुरु भाई का अनादर कैसे कर सकते? साफ समझ आता है, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले, समझ आती है बात? जब तुम्हें अंदर से पता है तुम गुरु के इतने करीब भी नहीं हो, अभी तुम उतने उनकी पसंद के भी नहीं हो, पता होता है अंदर वाले को, तो और बल्कि अपने को सिखाने में लगाना चाहिए ना, ना कि हमारे अंदर ये फीलिंग्स हों कि बस हम तो सबको टोक दें, बोल दें। ये जितना गर्दन ऊंची करोगे उतना पतन बढ़ेगा, पतन होगा। जितनी गर्दन नीवी होएगी उतना ऊंचे उठोगे। एक एक को झुक के, हम लोगों को कितने साल हो गए थे जाते हुए, उसके बावजूद भी कोई नए बच्चे आए, अचानक गुरु के पास रहने शुरू हो गए, समर्पण हो गया, जीवन दे दी पूरी, हम लोग उनको भी रिस्पेक्ट करके चलते थे, कभी आपके सिवाय नहीं बोला किसी को। वो लोग हालांकि बोलते थे, भई आप इतने बड़े हैं हमसे, एज में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बहुत बड़े हैं, हमको 4 दिन हुए, तुम बहुत बड़े हो, तुम भगवान की सेवा में हो, तुम उनके करीब हो, तुम उनके प्यारे हो, हमारे लिए आदरणीय हो। सब हाथ जोड़ती थी लड़कियां जितनी थी ना, सब मना करती थी, आप मत बोला करो, लेकिन अपने को ही अच्छा नहीं लगता था। सच्चाई भी है, गुरु के घर का तो एक कुत्ता भी हो वो भी आदरणीय है, ये तो भगत हैं भगवान के, प्यारे हैं भगवान के। अपने मिस्टेक्स को देखो, किसी में मिस्टेक है भी सही कोई बात नहीं, वो अपने को बना लेगा, लेकिन तुम्हारी मिस्टेक कहां पर है तुम उसको करेक्ट करो। मिस्टेक मिस हुआ है तुमसे कुछ लेने में, तभी तो मिस्टेक करिए। मिस्टेक कैसे करी? यहां पे कुछ मिस कर गए हो, जो गुरु ने दिया उसमें से कुछ लेने में मिस कर दिया है तुमने, हो गई मिस्टेक, हो गई गलती, अब लियो दोबारा से, समझो दोबारा से, बनाओ अपने आप को, तब काम बनेगा। अपनी भूल का चिंतन ना होना साधक के लिए सबसे खराब काम है। जब आप अपनी गलती को समझ नहीं पा रहे या समझ पाने के बाद इग्नोर कर दिया, ये सबसे बड़ा खराब हो जाता है काम हमारा। हर एक पल खुद को सावधान रहना है, बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और अगर तुम केयरफुल होके नहीं चले तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार की सिद्धि आगे जाके परमार्थ की सिद्धि बनती है, और परमार्थ छलकता भी व्यवहार से, और कहां से छलकेगा? जहां पर भावनाएं शुद्ध होंगी। कबीर ने क्या किया? व्यवहार को परमार्थ का रंग लगा दिया, तभी तो व्यवहार ने बांधा नहीं। रैदास ने क्या किया? व्यवहार को परमार्थ का रंग लगा दिया, तभी तो व्यवहार ने बांधा नहीं। जूता सिलता है, समाधि वाली एकाग्रता से बारात निकल गई पता ना चले, कठौती में तो कंगन निकल आया जो गंगा जी ने दिया था राजा को, और दूसरा निकला कठौती में से। 4 दिन लगातार कोई जूता तोड़ के ले आया, हाथ जोड़ बैठा, तेरा टूटा कौन गांडे, लग गया व्यवहार को परमार्थ का रंग। दूसरी तरफ कबीर जी को देखो, चादर बुन रहे हैं, चदरिया जीनी रे जीनी,
अगर मछुआरा मांगने आ गया, सूत का गोला दे दिया, हाथ में कोड़ हो गया, अनुभव बता दिया सबको, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। दया तो फिर करो, देश काल पात्र देख के, मैंने पात्र देखे बिना दिया, कोड़ हो गया मुझे। उसी व्यवहार में सारा परमार्थ निचोड़ लिया। लोई के संग रहते हैं, कोई आवाज नहीं दोनों के बीच, दिन है इतना और कह रहे हैं लोई को दिया जला के लिया, लालटेन वो जला के रख गई। भगत बैठा था, बोला इसने पूछा ही नहीं दिन के समय लालटेन क्या करनी है। बोला बस यही हमारा राज है, जो झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि हम एक दूसरे के आगे क्वेश्चन मार्क रखते ही नहीं। व्यवहार परमार्थ हुए कि नहीं हुए? आपके व्यवहार से आपने कितना परमार्थ निचोड़ा, ये जरा अपने से जाके बात कर लो। आपके व्यवहार से आपने कितना परमार्थ निचोड़ा है? परमार्थ तो छोड़ो, ये भी ध्यान नहीं रहता कभी कभी कि व्यवहार तो साध के चलूं, ये भी ध्यान नहीं रहता कभी कभी सामने कौन है। मेरा भक्त सबसे वर्तता हुआ भी मेरे से ही वर्तता है, भगवान ने तो गीता में यहां तक बोल दिया। अब हमारे अंदर है ये फीलिंग कि हम जिससे भी वर्त रहे हैं, जैसे हम भगवान से ही वर्त रहे हैं, महसूस हुआ? ये कहां महसूस होता है? अगर ये महसूस हो जाए तो राग द्वेष की दुनिया ही ना बचे, तेरे मेरे की भावना ही ना बचे। जो भी पद होता है, औदा होता है, अगर उसका अभिमान ना बांधे इंसान, हर एक से नम्रता से चले, आवाज में भी जरा सा कड़कपन, बेरुखी, तेजी कब आती है? जब तुम अपने आप को कुछ समझने लगते हो। अदरवाइज तो तुम भी सबके शुक्राने मान के चलो ना। आज कितनी सेवा मिलती है, कितना सब प्यार करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, है तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है? बोलोगे गुरु के लिए है, उन्हीं की वजह से तो कोई पूछता है, लेकिन जो पूछ रहा है उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए। शूज की पेमेंट तुमने दुकानदार को की, पर पॉलिश तो वही शूज करोगे ना जो खरीद के लाए हो, या दुकानदार के जूते पॉलिश करने जाओगे रोज? ठीक है, भगवान के तो बहुत शुक्राने, गुरु के शुक्राने, उनके सदके ही कुछ मिलता है, लेकिन जिन माध्यमों से मिल रहा है क्या उनके प्रति भी शुक्रगुजारी है, शुक्र अदायगी है, थैंकफुलनेस है? तो वहां भी हिम्मत नहीं पड़ेगी कभी जरा सी आवाज ऊंची करने की, तेज करने की, किसी को ब्लेम करने की, किसी से कड़ा बोलने की, बेरुखाई दिखाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। पर जब अंदर वाला अपने ईगो में है और सामने किसी को तो कुछ समझता नहीं, तब उससे ऐसी गलतियां होती हैं। क्यों? अपने अहंकार में सामने वाले को हम कुछ समझते ही नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है जेंट्स में खास तौर पे। किसी को कुछ नहीं समझते अपने आगे, मैं जो हूं सो हूं, मैं जैसा हूं सो हूं, सबको पांव की जूती समझ के चलते हैं। तो जब नम्रता नहीं आई जीवन में तो बाकी सत्संग में बैठ के क्या किया? यहां तो सबसे पहला सबक ही यही है, आप गंवाइए ता शौ पाइए, और कैसी चतराई। जो आपा गवाएगा पास तो वही होगा भगवान के पास, जहां आपा रखा हुआ है वहां ना भक्ति है ना ज्ञान है।
भक्ति और ज्ञानवान नहीं रहते जहाँ अहंकार रहता है। सबसे पहले जीवन से अहंकार की भावना गुमो, होनापना, और जब पुराने स्वभाव अटैक करें तब भी हमको अपने को जांचना आना चाहिए। पुराने स्वभाव नहीं अटैक करते, बहुत बुरा अटैक करते हैं। कभी अंदर चिढ़ने लगते हो, कभी क्रोध आने लगता है, कभी द्वेष आने लगता है। अलर्ट रहो ना, वहां तुम्हें अपने आप को नीवा करना है, नम्रता करनी है, अहंकार झुकाना है, और तुम वश हो के मन की उस लहर के, मन का वो जो उद्वेग उठता है उसके वश हो के और जाके कर्म कर देते हो। इसको कहते हैं विवेक से अंधा होना, क्योंकि मन जो दिखा रहा है वो देख रहे हो, विवेक की तो आवाज ही नहीं आ रही तुम तक। विवेक की आंख खोल के तो देख ही नहीं रहे हो कुछ भी। जब विवेक से देखोगे तो स्थिति में परिवर्तन मिलेगा, मन से देखोगे स्थिति और तरह नजर आएगी। एक मन की आंख देखती है, एक विवेक की आंख देखती है। मन देखेगा उससे पहले तुम अपने नाम रूप औदे अहंकार में आ जाओगे। विवेक से काम लोगे सबसे पहले मैं ना हो जाएगा। जहां प्रकाश होगा अंधेरा कैसे होगा? उल्लू चमगादड़ सब अंधेरे को प्यार करते हैं। सूर्य उदय होता है ना, उल्लू छाती पीटता है, स्यापा करता है वो बैठ के, रोशनी क्यों हो गई है, और अपनी आंख नहीं खोलता। मन का उल्लू वाला स्वभाव ये प्रकाश से छाती पीटता है और अंधेरे में मस्ती करता है, खुश रहता है। अभी जब हम चुन चुन के भूले निकालते हैं ना, प्रकाश करते हैं, तो देखो तुम्हें यहां बैठ के भी रोना आता है, और अपने अज्ञान में तो हंसते हो, नाचते हो, खेलते हो, खुश रहते हो, बड़ा मजा आता है। वहां तो तुम्हें दिक्कत नहीं, क्योंकि अंधेरा पसंद है। अभी पूरा प्रकाशित होने का भी शौक नहीं आया अंदर। भजन गा लोगे अभी ताली पीट के, हर कदम पे सोच विचार आता है क्या मन में? अहंकार विचारेगा कौन, गुरु या हम खुद? विचारेंगे भी तो हम खुद। और अभी बैठ के विचार करो, तुम्हारी हर भूल का मूल क्या है? अहंकार। तुम्हारी हर भूल का एक ही मूल कारण है, बीइंग समथिंग। फिर तेरा मन कहता है मैं कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, पर मैं हूं क्यों? गुरु को क्या नहीं पसंद? गुरु को भी मेरा होना पना नहीं पसंद, गुरु को भी मेरी मैं नहीं पसंद। तो फिर अपनी मैं से फारिग क्यों नहीं होते हो? तुम जानते हो हर बार तुम अपने अहंकार से फंसते हो, अपनी लापरवाही से फंसते हो, अपनी लंबी जबान से फंसते हो, अपनी गलत सोच से फंसते हो, सबके लिए आदर की भावना ना रखने से फंसते हो, मन में राग द्वेष रखने से फंसते हो। पता है ना, ये सारी डिसक्वालिटीज पता है, फिर इनको सुधारने का यत्न क्यों नहीं शुरू हुआ?
फिर इनसे उपराम होने का प्रयत्न क्यों नहीं शुरू हुआ? हर वक्त तुम्हारा मन अपनी क्यों चलाना चाहता है? मेरी चले, मेरे को जो ठीक लग रहा है, मैं जिसको सही कहता हूं, ये बीमारी क्यों है? मन तुम्हारा वश चले ना, गुरु को भी तुम रॉन्ग कहो, अपने को ही राइट कहो, मैं तो हमेशा ही ठीक हूं। सुन सकते हो, नया नया इंसान आता है ना, फिर भी सुन लेता है। ज्यों ज्यों वक्त बढ़ता जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है। कह ही नहीं सकते कि भैया ये कर्म तुम्हारा गलत है, ये बात तुमने गलत की, फलाने से तुमने गलत बोल ही नहीं सकते। अहंकार इतना ऊंचा है, सुनेगा ही नहीं, गुरु से लड़ने आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कहा है, हमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। समझ में आता है दिशा गलत है। अहंकार को बढ़ावा मिल रहा है, वही स्वभाव जो दुनिया के थे यहां फैलाने शुरू कर दिया। स्पेस मिलता जाता है, गुरु भी अपनी नम्रता से चुप होता है कि चलो कौन मुंह बिगाड़े, फिर समझ जाएंगे, संभल जाएंगे। लेकिन मन सोचता है शायद मैं इतना ज्यादा सही हूं कि मेरे को अब इनको भी चलाना है। सुनने के कान आखिर तक रह जाए ना, बहुत बड़ी बात हो जाए। सुनने के कान ही नहीं रहते, 10 बार तो गुरु वैसे ही इग्नोर करता है, और अगर एक बार कभी प्यार से भी बताने लगे तो तुम उड़ते हो आकाश में, छत को जा लगते हो सीधे, क्योंकि मूल स्वभाव पड़ा है। आई एम राइट, मूल स्वभाव पड़ा हुआ है, अंदर कुछ ना कुछ है। शुरू से घरों में देखते आए, लड़कों ने देखा है, सबने घर में पिताओं ने माताओं को गलत बोला, इन्होंने बहनों को गलत बोला। अब यहां भी गलती भी कोई कर दे ना और कह दो तुमने फलाने से गलत बोला, नहीं ठीक बोला है मैंने, सही तो बात है। ऑर्डर करेंगे, हुकूमत करेंगे, खरवा बोलेंगे, तो हो तो उसी स्वभाव में ना जहां से आए थे। फिर यहां बैठ के क्या किया, क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया? औरतों को बीमारी चुगली की, आदमियों की चुगली करने की बीमारी अभी भी बाज नहीं आती, जहां बिठा दो दोष निकाल लेंगे। कभी ये देखा करो, हमने मूल स्वभावों पे वार किया है अपने, कि कल भी हमारे वही स्वभाव थे, आज भी वही स्वभाव है। तो जब हम अपने मूल स्वभाव पे वार ही नहीं कर रहे तो फिर उन्नति कैसी, किस चीज की उन्नति है? फिर जड़ तो वही मूल स्वभावों ने पकड़ी हुई है। एक खेत से भी जब फसल काट ली जाती है उसके बाद आग लगा देते हैं, क्योंकि पुरानी फसल के जो अवशेष है अंदर, वो फिर नई फसल पैदा ही नहीं होने देंगे। देखा करो किसानों को, कभी ट्रेन वगैरह में जाओ ना, खेत आते, आजकल तो कम हो गए हैं, पहले बड़े खेत होते थे, और देखते थे वहां रात को निकलो तो खेतों में आग लगी हुई है। आग किसने लगाई? किसान ने लगाई। पहले वहां से फसल काट ली, फिर आग लगा दी। हम भी आए गुरु के पास, कुछ चीजें जो अच्छे संस्कार ले आए, जिनकी वजह से यहां बैठे, पसंद आए गुरु को, उनको कर लो, एक तरफ बोरियां भर लो। बाकी स्वभावों को तीली कौन लगाएगा? आग लगाओ बाकी स्वभावों को, क्यों है अभी तक, क्यों पड़े हैं स्वभाव? जो तुम्हारी पसंद अनुसार नहीं हो वहीं तुम्हारा स्वभाव आउट। तो मुड़ना कब आएगा? मुड़ना तो बहुत आता है, घर से ही सीख के आए हो, ट्रेंड हो मुड़ने में, तो मुड़ोगे कब, चेंज कब होगे?
मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे वो नहीं अच्छा लगा, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। तो एक साधारण गृहस्थी वाला काम क्रोध है, और क्या है, वही क्रोध है जो साधारण घरों में होता, वही क्रोध अभी भी साथ लेके चल रहा है। उठका पटकी क्यों भाई, किस लिए? यहां तो एक चप्पल भी पूजनी है, दरवाजे ठां मारोगे, अलमारियां ठां मारोगे, सामान उठकोगे पटकोगे, भी सामने वाले को पता चले मुझे गुस्सा आ रहा है किसी बात पे। अंदाज ही बदल जाएगा बात करने का। तो फिर सेल्फ कंट्रोल किसको कहते हैं, क्या परिभाषा है सेल्फ कंट्रोल की? और कुछ नहीं, मेरे स्वभाव के आगे सामने वाला नम्रता से बात कर रहा है, नम्र होके जवाब दे रहा है, वहीं शर्म आ जानी चाहिए कि अरे जो पार्ट मेरा है अगला कर रहा है और मेरा फिर भी स्वभाव सातवें आसमान पे, किस लिए? खरीद थोड़ी लिया है तुमने किसी को, विचार करके देखो थोड़ा सा। किसी को तुम्हारे अंडर चलना है या तुमने किसी के अंडर चलना है? सब तुम मूड पे ही चलते हो, तुम्हारी मूड अच्छी है तो हाँ जी हाँ हर बात में, तुम्हारी पसंद से विपरीत कुछ हो जाए तो हो गई मुसीबत, हो गई आफत। फिर क्या मतलब क्या है? और चलो स्वभाव है, अभी नहीं गया होगा पूरा, एक मिनट दो मिनट इंसान को विचार आ जाना चाहिए, बजाय उसका प्रभाव बाहर दिखे फटाफट अपने मन को बना के नॉर्मल करना चाहिए। क्यों स्वभाव का प्रभाव वो चारों तरफ? क्यों कोई तुम्हें वॉच कर ले कि हाँ अब इनका मूड बिगड़ा हुआ है, अच्छा अब ये क्रोध करेंगे, अब ये ऐसा करेंगे, फिर आपको सुनना पड़ेगा। क्यों किसी को ये मौका मिले बात करने का? क्यों मौका मिले? तुम भक्ति कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, इतनी भी सावधानी होनी चाहिए कि मेरे प्यार का तमाशा ना बने कभी, इतनी भी जागरूकता होनी चाहिए, तब तो मजा है। जब तुम्हें प्यार अपना संभालने ही नहीं आता तो उसका तमाशा ही बनेगा, क्योंकि मूड के वश हो जाते, क्योंकि जो तुम्हें सही लगता है वही तुम करना चाहते हो। कभी कभी एकाधिकार भावना आ जाती है, पॉजेसिव मूड हो जाता है, ये सब चीजें आखिर नुकसान करने वाली हैं। आ भी जाती है मन में कोई भावना तो हम अकेले में शांति से भी तो बात कर सकते हैं। जरूरी है कि उस बात को ऐसे बड़ा रूपी बनाना है उसका। कई बार हो जाता है चलो किसी की बात नहीं अच्छी लगी, इंसान अकेले में बात कर लेता है, काम बन जाता है उससे, वो भी सीखने की भावना से। ये नहीं कि बात करो फिर बात अपनी ऊपर रखो और अगले को ही जतलाओ कि नहीं तुम समझो मेरी बात को। बात भी किसी के आगे रखो अपनी इस भाव से कि मैं समझ पाऊं, सीख पाऊं, मैंने कहां नजरिया गलत कर दिया, मैंने कहां विचार उल्टा कर लिया, मैंने कहां कोई दोष कर लिया। इस भाव से बात करो किसी से। तुम बात भी करोगे तो बात अपनी ऊपर है, नहीं मैं ही ठीक हूं, नहीं बात ही ऐसे है,
नहीं ऐसे बात है, नहीं वैसे बात है, कितना उलझते हो जाके फालतू के झमेलों में। ऐसे तो तुम दिन भर हमारे पास बैठ जाओ, बड़ी विक्षिप्तता होगी तुम्हें। अब क्या कर सकते हैं, दो दिन कोई टेढ़ा होता है, दो दिन सीधा होता है। अब तुम बोलोगे टेढ़ा है ना, बस अब इसको छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं, मुझे तो प्यार करना ही है। तुम्हारे भी तो स्वभाव आज तक सह रहे हैं, दूसरे के भी सहेंगे। मैं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, उसका स्वभाव टेढ़ा है। अब ये क्या पता, वो क्राइस्ट बेचारे ने लास्ट में बिल्कुल आखिरी दिन बात खोली जाके, जब सबके पैर छू रहा था, तो सब बोलने लगे आप क्यों पैर छू रहे हो, आप क्यों झुक रहे हो। बोला तो आज तक कोई तुम झुकते आए हो, झुकता तो आज तक भी मैं ही आया हूं, और तुमने ये सोच लिया कि शायद तुमने गुरु से बना के चली है। झुकता तो गुरु ही है, वो ना झुके ना, तुम दिन में 50 बार रूठो, मुंह बनाओ, रो, दुखी हो, शायद छोड़ के ही भाग जाओ। झुकता तो आखिर भी वही, पर ये राज लास्ट दे खोला क्राइस्ट ने। पर इससे ये समझ में जरूर आना चाहिए कि जिंदगी भर गुरु ही झुक के चलता है, कदर होनी चाहिए। तुम्हारे पर्सनल राग द्वेष में गुरु थोड़ी आ जाएगा बीच में, तो तुम्हारा पर्सनल मन का मैटर है तुम्हारा, हम क्या करें। किसी को पसंद करता है, किसको नहीं पसंद करता है, कोई उसको अच्छा लगता है, कोई उसको बुरा लगता है। कभी कहेगा कल देखिए ऐसे कर रहा था, आज ये ऐसे कर रहा है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम तो जानते ही कि जो जिज्ञासु आया वो मन स्वभाव सारा कुछ ले आया है। और मुड़ता कब है कोई भी, जब गुरु की अनंत धीरज देखता है कोई। इतना धीरज गुरु ने रखा मेरे लिए, तब तो शर्मिंदा होता है मन। इतना प्यार रखा गुरु ने मेरे से, तब तो शर्मिंदा होता है मन। और गुरु ने हमारे लिए भी रखा होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। क्या हम लोगों से गलतियां नहीं हुई होंगी, हम लोगों से दोष नहीं हुए होंगे, हम हमेशा कोई उनके अकॉर्डिंग चल गए होंगे, लेकिन धैर्य रखा होगा। हम तो इतना जानते हैं अगर उन्होंने 4 गलतियां जनवाई होंगी तो 400 उसके एवज में माफ की होंगी, इतना पता। क्योंकि ज्ञानी बोलता भी नहीं आसानी से, पी जाता है, जतलाता भी नहीं, गुम कर देता है बात को, चलो छोड़ो परे, चलो नहीं कहते कोई बात नहीं, चलो अब कह के फिर बेकार माहौल बिगाड़ने वाली बात है। और होना तो ये चाहिए कहीं भी गुरु तुम्हारी कालर पकड़ ले, होना ये चाहिए। भरी सभा में जूता भी मार सके तुम्हें, इतना उसको हक होना चाहिए। हम लोगों को तो भगवान नाम ले लेके सत्संग में खड़ा ही कर देते थे, और जो उनको कहना होता था कहते थे। तुम तो इतना हक गुरु को भी नहीं दे पाओगे, सोच के देखो, विचार करो। तो यहां पर जो जागना चाहेगा वो पुरुषार्थ करेगा। जिसको अभी जागने का, प्रकाशित होने का भाव नहीं आया, उससे पुरुषार्थ भी नहीं होने वाला। पुरुषार्थ शुरू ही वहां होगा जहां अंदर शौक जाग गया कि अब मुझे जाग के रहना। अब लो नसानी अब ना नसे हूं, बहुत जन्म बीत गए ऐसे, अब नहीं। अब जागना भी है और जागने के बाद जागते ही रहना है, फिर ये माया की नींद ना आए, फिर ये अज्ञान ना घेरे, फिर गफलत की नींद में सो ना जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल ना जाए,
और जागृत उन्हें और भक्ति है, तो भक्ति कहेगी मुझे गुरु की पसंद का बनना, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। भक्ति भी ये कहेगी कि मैं चाहे कितना ही ठीक क्यों नहीं हूं, पर जब उनकी पसंद का नहीं हूं तो किस काम का। कितने केस आते हैं, लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा चलता हूं पर हस्बैंड ऐसे पसंद नहीं करते। हम कहते हैं फिर किस काम का वो अच्छा चलना, वो अच्छा चलना किस काम का। तो यहां भी तुम कितने ही भले हो पर भगवान की पसंद के बनो तो फायदा। यहां जागने आते हैं, जाग के जाओ, ठीक है।